आपको सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल बुला। ऐसा था जो घटना 26 तारीख को यहाँ पर हुई उसका हमें 27 तारीख को मालूम पड़ा था दिल्ली में। तो हम सब लोग श्रोमणी अकाली दल दिल्ली हमारी पार्टी का नाम है और दिल्ली में खुदा ताला की मेहरबानी से बहुत अच्छा नाम है। गुरुद्वारों की सेवा भी तकरीबन 15 साल मतवातर हमने की, जिसकी वजह से हमारा प्रेम प्यार श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के सिखों के साथ खास तौर पर। जब हमने तकलीफ सुनी तो हम यहाँ आए, तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने एक मिनॉरिटी कमेटी को पूरा साथ दिया। उसके बाद हमारी मुलाकात मीर वायज वालों से हुई और मुस्लिम जो संगठन थे उनसे हुई। उन सब ने जो हमें सहयोग दिया वो हम शायद ज़िंदगी में नहीं भूल सकेंगे। और हमने भी कहा कि हम ये जो भाईचारा है जम्मू कश्मीर से, ये भाईचारा हमारा पिछले 500 साल से ज़्यादा का है। 520 साल पहले गुरु नानक साहब आए थे, उसके बाद हमारे 6वें गुरु आए थे, तब से हमारा संबंध कश्मीरियों के साथ और सिखों का संबंध बहुत प्रेम प्यार रहा है। एक बहुत ऐसा दौर भी आया, पर कुछ चंद घटनाओं को छोड़ के इनके आपस में संबंध बहुत बढ़िया रहे, जिसके लिए हम जो बाहर सिख रहते हैं उनको बहुत तस्कीन था इस बात के ऊपर कि हमारे भाई एक बहुत मेजॉरिटी वाले में और ये वहाँ को 1% है, वहाँ पे को सेफ है। अब ऐसा है कि इन सब की बदौलत मैं लड़की वालों से भी मिला, सबसे मिला, और हमारा मसला जो है आज ये सुलझ गया है। और लड़की जिससे पहले जिसको चाहती थी उसके साथ उसकी शादी हो गई है, हम शादी करवाने के बाद ही हम यहाँ आए हैं। और हम तहे दिल से इन सब के आभारी हैं, गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के भी, एडमिनिस्ट्रेशन के भी, और जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हमें मिली हैं, कई मस्जिदों के मौलवी साहब मिले हैं, उन सब के हम आभार प्रकट करने आपके सामने आए हैं। और ये मैं दुआ करता हूँ कि ये हमारे जो संबंध हैं ये हमेशा टिके रहे। मैंने उन सबको ये भी बोला था कि हम क्योंकि बौद्ध मनाटी में हैं इसलिए आपने हम लोगों का भी ख्याल रखना है। कानून से कोई किसी को ख्याल नहीं रख सकता, आपसे ही मोहब्बत और भाईचारे से ही एक दूसरे की बात रखी जा सकती है और बढ़ावा दिया जा सकता है। ये सारा संदेश लेके मैं आया हूँ, हमें इस बात की खुशी है। जाति तौर पर मेरा मुसलमान भाइयों से संबंध इसलिए ज़्यादा है कि मेरा काम जो है वो सारा अरब मुल्कों में है, और जब मैंने काम शुरू किया था तो मैंने श्रीनगर से शुरू किया था। मुझे को याद है सोरा एक जगह थी इसके आगे, वहाँ पर मैं फैक्ट्रियाँ थी वहाँ पर मैं जाता था, तो इसलिए मेरा संबंध पुराना है। मेरे को हर बात का इलम है, मेरे को गुरुद्वारों के प्रबंध के लिए पाकिस्तान भी जाना पड़ता है। पिछले 22 साल से मतवातर में जा रहा हूँ, ये कोरोना की वजह से नहीं जा सका, वरना तीसरे चौथे महीने हम अपने गुरुद्वारों की देखरेख के लिए हमें पाकिस्तान भी जाना पड़ता था। तो मैं हर कल्चर को, इस्लाम के कल्चर को, इस्लाम की छोटी मोटी जो बहुत ज़्यादा दुनिया थे सब बातें मैं समझता हूँ और जानता हूँ। मेरा साल में 4 महीने अरब मुल्कों में व्यतीत होते थे, तो मैं ये गुरुद्वार करना चाहता हूँ आपके जरिए से कि जो भाईचारा इन दोनों कम्युनिटीज़ का है वो हमेशा बना रहे, और जो आप बड़े भाई के तौर पर यहाँ हैं इनको हमारा ख्याल रखना, आगे भी आपने रखा है आगे भी आपने रखना है, ये गुजारिश करने के लिए मैं आया। साहब आपने अभी बोला कि शादी हमने, वो दोनों लड़का लड़की जानते थे अपने को, जो लड़की थी
सुखप्रीत सिंह नाम है लड़के का, उसने आज शादी जो है वहाँ पे मनमीत को मनमीत और के साथ की जो लड़की सर कल एक वीडियो वायरल हुआ ये जो तो हमने ये दरख्वास्त की थी कि कश्मीर में पंडितों की गिनती कुछ 5 लाख के करीब है, जम्मू कश्मीर में। और चलो हमारे मुंह में कश्मीर में ही लगता है, जम्मू कम निकलता है। सिखों की आबादी 2.5 लाख के करीब है। जब पंडित लोगों को रिजर्वेशन मिलता है हर चीज़ में तो सिखों को क्यों ना मिले। ये इससे पहले डोगरा परिवार से आने से पहले ये सिखों खालसा रियासत थी, ये जो कश्मीर थी महाराजा रणजीत सिंह का राज था जिसके राज में किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। तो उसके बाद हमारे सिख भाई यहाँ बसे हैं तो इनको भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। दूसरी बात जो एक इनकी जगह है तकरीबन हमारे 10 एकड़ से ज्यादा मिलती है, 81 कैनाल जगह है वहाँ पे जो है कुछ तो इनके पास है, कुछ काश्तकारों के पास है, पर हम कानून के मुताबिक उनको उनका मुआवजा देके वहाँ पे वापस लेना चाहते हैं ताकि हम जितने भी सिख जहाँ भी किसी भी स्टेट में रह रहे हैं, महाराष्ट्र वालों ने भी कहा है, हम दिल्ली में भी कर रहे हैं कि एक अस्पताल ऐसा बनाया जाए जो दिल्ली के बड़े अस्पतालों से भी ज़्यादा बड़ा हो जगह, क्योंकि वहाँ बहुत है। हम यहाँ अस्पताल दिल्ली के सहयोग से जो वहाँ का मैक्स हॉस्पिटल है, वेदांता है, फोर्टिस है, बीएल कपूर है, ऐसा अस्पताल हम यहाँ श्रीनगर के पास बनाना चाहते हैं ताकि समुची यहाँ के रैयत को उसका लाभ मिल सके। सरदार जी मैं एक सवाल, मैंने अपने जनाब आले मैंने अपनी बात ऐसे शुरू की थी कि हम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से मिले, मीर वाइज वाले से मिले और भी मिले, जो उन्होंने हमें भरोसा दिया था उसकी मैं जो हमारे में बात थी उसकी मैं कत नहीं कर सकता हूँ। जिन आदमियों ने यहाँ के ऐसे भड़काने वाली बातें की हैं मैं सख्त निंदा करता हूँ, हालांकि मेरा लेना देना उनसे नहीं है, पर मैं क्योंकि दिल्ली से सिख आया उसने बात किया मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। मैं किसी किस्म की चोट उसके बयान से आप लोगों को ही हो यहाँ की रैयत को ही हो तो ये मेरा फर्ज बनता है कि अगर मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ तो मैं उसके कई हुई बात के भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जो हमारे साथ नहीं दिखे, नहीं दिखे, दिखे ये साथ में बैठे हैं हमारे साथ हमारे, हाँ जी हाँ जी जो जगमोहन रहना, हाँ जी दिखे हमारे के रात को 11:30 बजे कोर्ट प्रीमिसेस उस लड़की को परसों से हमारे साथ है, परसों से हमारे साथ है। बगैर उस ऑर्गेनाइजेशन से मैं यहाँ आ कैसे सकता था, आपको मैं कैसे सकता था। नहीं हमारे साथ लेना देना नहीं है, उनके साथ लेना देना नहीं है, जो यहाँ आके भड़काऊ भाषण दे रहे हैं ये बात, हमारे भाईचारे को यहाँ खराब कर रहे हैं, हमारा उनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। हम बरसों से रह रहे हैं और आज भी रहेंगे, हमारा भाईचारा हमेशा कायम रहेगा। हम हमारी सिर्फ आप लोगों से ये विनती है जो हमारा भाईचारा परसों से बना है, इतने सालों से बना रहा है, हम इस भाईचारे को खराब ना होने दें। अगर कोई ये गलती करता है हमें ज़रूर उसको सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। अगर वो कोई किसी भी धर्म से हो, कोई गलती करता है उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन हम उस गलती के लिए पूरी मुसलमान बरादरी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जी क्योंकि आपकी तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये क्लेम किया गया कि फोर्स को फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया है लड़की को मैरिज के लिए, और मेरे उस कोर्ट में भी जो बयान उसने दिया था लड़की ने जिसमें उन्होंने कहा कि उसने शादी की है अपनी मर्जी से। अब अगर शादी हो चुकी थी तो आज उसकी शादी कैसे हुई, क्या वो कन्वर्ट हुई थी, शादी नहीं हुई थी। अगर शादी हुई होती शादी नहीं हुई तो एडमिनिस्ट्रेशन माँ बाप को लड़की नहीं सौंपता कभी भी। शादी नहीं हुई थी। देखिए इससे पहले भी जो आप बोल रहे हैं फोर्सफुली शादी कैसे करवाएगी, आप देखिए कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर जब हम गए जिस दिन लड़की को कोर्ट में पेश किया गया, लड़के के पूरा परिवार कोर्ट के प्रीमिसेस के अंदर था, ठीक है जी, लेकिन लड़की के माँ बाप को अंदर जाने नहीं दिया गया। तो आप खुद बताइए जब लड़की के माँ बाप अंदर नहीं थे जज साहब ने फैसला कैसे सुना दिया उन, क्या क्या जज साहब को लड़की के माँ बाप की लड़की की माँ की दो बातें सुननी नहीं चाहिए थी,
ये कौन सा फैसला है? सरदार साहब अब हम मान लेंगे जो मसला, देखिए ऐसा है, एक मिनट मैं डाल, हां जी सरदार साहब, फैमिली मेंबर्स का अब हम ये मानेंगे ये जो मसला था या एक आदमी बोल ले प्लीज, हां उसका ऑपरेशन हुआ है तो मेंटली अनस्टेबल की ये मान ही प्रेशराइज है, हां राइट प्रेशराइज है वो, एक मिनट यार यार सुन दे यार, बिल्कुल दिया हमें हमारे जहाँ से जहाँ हमारा संपर्क हुआ है, हमें बच्चे से लेके बुजुर्ग तक ने साथ दिया, उन्होंने आश्वासन दिया ऐसा किसी भी इंसान से, यहाँ तक लास्ट में बता दूं कोर्ट के बाहर हम जब पुलिस से गुहार लगा रहे थे लड़की के लिए, वहाँ हमारे मुसलमान भाइयों ने भी गुहार लगाई कि इस लड़की को माता पिता के हवाले कर दिया जाए, मुजरिम रुक जाता है, मेरे इस बात का जवाब दीजिए, हमने यहाँ भाईचारे के साथ रहना है, उनकी मोहब्बत के साथ, हमारे साथ कोई जाती हो तो हम पीछे, पहले आप लोग हमारी मदद करें, हमने ये रहना है, हम कानून बनने से मुजरम नहीं रुका है, ना है उसकी कोई ऐसी बात, सरदार साहब क्या मंदी से ही हुई है, कैसे शादी हो जाएगी, अपने आप लड़की गई है, अब लड़की अपने आप आई है वापिस अपने घर गई है, देखिए फोर्सिबली हम कुछ भी करने को तैयार नहीं, हम कौन होते हैं फोर्सफुली कुछ करवाने वाले, फोर्सिबली हमारे धर्म में सख्त बनाई है, थैंक यू सर, थैंक यू जी।